अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो करते हैं एक बार फिर से अपनी इस यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम। रेलवे स्टेशन खड़ी से, तो आज जो 60,000 आबादी का सपना था तो वो पूरा होने को जा रहा है। आज जो है रेलवे सेफ्टी का जो कमिश्नर है वो आ रहा है यहाँ पे, वो विजिट करने आ रहा है, लास्ट विजिट है। और इसके बाद जो है ये पब्लिक के हवाले कर दिया जाएगा। ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो रेलवे स्टेशन है वो फुल तैयार है। और इसमें से जो है कि आज इनॉग्रेशन, समझो एक किस्म की इनॉग्रेशन, और ऐलान भी हो रहा है कि बारामूला और खड़ी की स्पेशल ट्रेन आएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहे, आज दिन का विजुअल्स आपको दिखाएंगे, और अगर हमें अंदर अलो किया जाएगा तो हम अंदर भी जाएंगे और आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। फाइनली गाइज, जो आज का गेस्ट है इस रेलवे स्टेशन का वो आ गया। आप देख पा रहे हो ट्रॉली में, और कितना स्टाफ है वहाँ पे, तो इतने स्टाफ मेंबर्स है, बाकी पब्लिक को अंदर अलाउ नहीं किया। तो ये आ गया आखिरकार, जिस शख्सियत का इंतज़ार था वो आ ही गया। तो आखिर टाइम ये आप देख पा रहे हो, 3-4 ट्रॉली आया, और ट्रॉली में आया तो ट्रेन शैन कोई ट्रेन नहीं आएगी, जहाँ तक हमें पता चला कि ट्रेन नहीं आएगी वो ट्रॉली में ही आया। और ये आप देख पा रहे हो कितना स्टाफ है वहाँ पे, और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट की है, क्योंकि इसके नज़दीक भी नहीं जाने देता। हम वहाँ थे पहले तो रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया। और ये आप देख पा रहे हो विजुअल सीधा ही रेलवे स्टेशन खड़ी से। तो इसके बाद जो इंस्पेक्शन हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि पैसेंजर्स को कब अलाउ करेंगे इस ट्रैक पे। पर वो खड़ी रेलवे स्टेशन, लेकिन उधर किसी को भी जाने नहीं दिया। मैं आपको विजुअल्स अभी यहाँ से दिखा रहा था, और जो CRS जो इंस्पेक्शन था आज वो हो गया। अभी तक वो अभी पहुंच गया, आपने विजुअल्स में देखा होगा कि वो अभी पहुंच गया, लेकिन किसी भी पर्सन को अंदर जाने नहीं दिया, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे लोकल चैनल्स है, लेकिन किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। और हम जो है अभी आपको ये विजुअल्स अपोजिट साइड जो मुंह मंगीत का रोड है वहाँ से दिखा रहे हैं। तो आज इसके बाद पता चलेगा कि कब तक ये पैसेंजर्स को अलाउ करेंगे, और कब तक जो है 60,000 आबादी का ये ख्वाब पूरा होगा। तो मुझे लगता है कि विद इन 10-12 डेज के अंदर अंदर ही इस ट्रेन, इस ट्रैक पे जो है पैसेंजर्स की ट्रेन दौड़ेगी। तो सुबह से ही हम वेट कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। सुबह से मैं 10 बजे का आया हूँ यहाँ पे, और हमने खूब बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम अंदर जाएंगे, लेकिन मुश्किल था, अंदर जाना ही नहीं दिया किसी को भी। हम बैक साइड भी आपको दिखा रहे थे, जो T-49 है, जो इंडियन लार्जेस्ट टनल है, वहाँ पे भी, उस पे भी गए थे, लेकिन वहाँ से भी हमें हटाया गया। फिर अपोजिट साइड में चढ़े, वहाँ से भी हमें हटाया गया, और गेट पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं थी। और हमने तो फाइनली गाइस रेलवे स्टेशन खड़ी पे, आप ट्रेन बोल रहे थे पहले ट्रेन नहीं आएगी, लेकिन अभी जो है मैं घर के लिए निकला और ट्रेन आ गई। आप देख पा रहे हो रेलवे स्टेशन में लगी है ट्रेन मेरे सामने, ठीक आप देख पा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो भाई, अद्भुत नजारा। मगर किसी को भी लोकल्स को अलाउ नहीं किया, और ना ही किसी मीडिया पर्सन को अलाउ किया, खाली जो है वहां पे जो है इनके अपने स्टाफ मेंबर्स है वही अलाउ वहां पे। ये आपको मैं रेलवे स्टेशन की व्यू दिखाता हूँ अपने गांव से और अपने घर के सामने से, बिल्कुल आप देख पा रहे हो मेरे सामने रेलवे स्टेशन बनाया, और ये आप देख पा रहे हो ट्रेन खड़ी है। अगर आपको दिख पा रहा होगा, ये देखो भाई अद्भुत नजारा, बहुत ही मजेदार व्यू है। तो भाई घर के सामने से मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ, ये रहा अपना गांव, वो ऊपर जो है हांजोस, और ये जो है नीचे पाशाल, और नीचे जो है ये खड़ी जामिया मस्जिद दिख रही होगी आपको, और उस साइड जो है खावड़ा, उस साइड जो है छिरा, उस साइड तरना, और वो जो पीछे आपको दिख पा रहा होगा जहाँ पे बर्फ वगैरह है। तो ये रहा अपना मुंह मंगीत का एरिया जहाँ पे हम ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, और ये जो ऊपर है आपको नेदगा दिख रहा है, और टॉप पे जो आपको लादना टॉप दिख रहा है, उस साइड जो है सराची टॉप है। तो ये कुछ विजुअल्स है मेरे गांव के बिल्कुल अपोजिट साइड से, ओड़का से मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ, और ये जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ओड़का का गांव है, ये आप देख पा रहे हो एकदम अद्भुत नजारा।